ओम नमः शिवाय।
भी प्रणाम करें और हनुमान जी के जो तुलसीदास जी द्वारा 40 श्लोक में हनुमान चालीसा की रचना हुई थी उसी हनुमान चालीसा का हम सब मिलकर जो यहाँ पर विराजमान है सभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी के आगे यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी पूरी शक्तियों के सहित इस गया में आकर विराजमान हो जाए, हमारे यज्ञ की रक्षा करें, हमारे कामनाओं की पूर्ति करें। जगह जगह में आज हनुमान जी चालीसा का पाठ करने के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये सारी का कामना हो रही है क्योंकि हनुमान जी संगत की यज्ञ सूचना करन अपने ब्लाक के कि ये यज्ञ जेड़ा है 13 मई को लिए 22 मई तक चलना, ये 10 दिन का जेड़ा महायज्ञ जेड़ा है श्री नरसिंह जी का, और ये विच तुसी सारे तन मन धन कन्ने भाग लिए और अपने जीवन की कृतार्थ करना, औरतियां देनियां संतों के प्रवचन सुनने, रासलीला वृंदावन तो जेड़ी आंदी है ओदा वो रासलीला का आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि ये 10 दिन पूरा वृंदावन के बन जाता सारा दरबार जेड़ा ग्रां सारा इलाका जेड़ा है, और जनता का बड़ा सहयोग होंदा, सानू बड़ा प्रेम करदी संगत, बड़े नौजवान जेड़ा सारा बड़ा यूथ जेड़ा है, और असी भी सारा लक्ष्य भी यही है कि नौजवान जेड़ा साढ़े ने बच्चियां बच्चे ये खूब तरक्की करन, अध्यात्मिक कन्ने जुड़न और धर्म का प्रचार प्रसार हो और साढ़े इलाके का स्टेट का खेड़ी खुशहाल बने। बोलो सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, सियापति रामचंद्र महाराज की। तुसें देखा होना कि अयोध्या विच असीं भी 22 तरीक जाने का मौका मिलिया उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा विच, और उत्थे भी असीं इहे भगवान अगे प्रार्थना कीती राम लला अगे कि साड़ी स्टेट साड़ा देश जिहड़ा साड़ी जिहड़ा इलाका ब्लाक जिहड़ा है ये खुशहाल बने और राममय ही है, क्योंकि हम त्रेता युग आई है, क्योंकि 22 जनवरी को अस त्रेता युग में जिया करने हैं, तो इस करी बंधु माताओ अस बड़े भाग्यशाली हाँ, साड़ी स्टेट साड़ा इलाका जोड़ा ये हिंदुस्तान भारत जोड़ा है ये सोने की चिड़िया था है और आगे भी बनेगा, तो हम अपने धर्म का प्रचार करें, जो संतों का यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, और कि हम अपने सनातन का प्रचार करें और अपने धर्म की ओर अध्यात्म की ओर अपनी नई पीढ़ी को हम अध्यात्म की ओर ले चलें, ऊर्जा उनके अंदर ऐसी ऊर्जा जो है ऐसी सात्विक प्रवृत्ति जो है उनके मन में आए, धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की।